आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम टॉपिक कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इससे पहले हमने किए थे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर हमने किया था कि यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये चार टॉपिक हमने किए थे। आज हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब देखते हैं कि जल्दी से, क्योंकि चार टॉपिक हम कर चुके हैं, आई थिंक आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या था। तो बिना कंफ्यूज हुए आप इस टॉपिक को एग्जांपल लेके अच्छे से लेके करेंगे कि ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है। चलिए करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स की, कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए और बी, ए एंड बी का, कि अगर दो सेट है हमारे पास ए एंड बी और हमें कहा जाए कि इसके ऊपर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स लगाना है, मतलब ये ऑपरेशन लगाना है, तो हमें क्या मिलेगा। ये कहता है कि अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस लगाते हो दो सेट के ऊपर, तब आपके पास जो सेट आएगा उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए। वो कहता है कि वो एलिमेंट्स वो होंगे विच आर इन ए, जो ए में है, या और आया हुआ है ध्यान रखिएगा, या वो बी में है, वो एलिमेंट जो ए में है या वो बी में है, मतलब जरूरी नहीं कि ए में हो और बी में, दोनों में हो, ए में भी हो सकता है या बी में भी हो सकता है, बट इस वर्ड पे गौर कीजिएगा, बट वो दोनों में नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कहता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस, एक बार बताता हूं दोबारा से, कि सिमेट्रिक डिफरेंस अगर दो सेट के बीच में लगा रहे हो तो हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो पहले सेट में हो या दूसरे सेट में हो, बट हमें कॉमन एलिमेंट नहीं लेने। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। इसे हमें अभी मैं भी एग्जांपल भी अच्छे से करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, या अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम गेट्स के ऊपर एक्स और का ऑपरेशन करते तो हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, वो वही सेम सिंबल है ये। ठीक है, अब मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ कि इसके अंदर हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो नहीं लेने, बाकी सारे एलिमेंट हमें लेने हैं। देखिए डेफिनेशन को भी क्लियर करता हूं, वो कहता है कि हमें एलिमेंट वो लेने जो ए में हो या वो बी में हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो बेसिकली बात कर रहा है हमारे साथ कि ए यूनियन बी क्या होता है, कि ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी हम कह रहे हैं कि ए यूनियन बी क्या कहता है, कि ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, बट वो हमें कौन से नहीं लेने, बट कह रहा है कि हमें कॉमन नहीं लेने। कॉमन वाले कौन से होते हैं, अगर मैं इसमें से कॉमन निकालना चाहूं तो कॉमन होता है मेरा ए इंटरसेक्शन बी। सही बात, ए यूनियन बी क्या होता है हमारे, कि ए के एलिमेंट या बी के एलिमेंट साथ में हमारे जो कॉमन है वो, बट यहाँ पे क्या होगा कि हम उसमें से कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, वो एलिमेंट जो ए में है या बी में है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि ए ए डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट इज ए यूनियन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन में बी। अगर आप कोई एग्जांपल लेके करोगे तो आपको हैंड टू हैंड इस चीज का पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज सही है। इसके ऊपर एक ऑपरेशन हम और भी चीज कह सकते हैं कि ए माइनस में बी यूनियन बी माइनस में ए, अगर हम ये कर दें तो ये और ये इसके को लाएंगे। ये क्या बताता है डिफरेंस ऑफ अ सेट, कि ए के वो एलिमेंट दे रहे हैं जो बी में ना हो, साथ में ये कह रहा है कि बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, मतलब ए और बी के हमने वो एलिमेंट ले लिए जो एक दूसरे में नहीं है, तो हमारा उसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास यही आएगा। अगर आप एग्जांपल लोगे तो यही बनेगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं ए के अंदर ले लीजिए ए बी सी डी ई, और बी के अंदर ले लीजिए आप ए बी एच आई
जे, ठीक है। अब मुझे ये अप्लाई करना है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये ऑपरेशन अप्लाई करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है। अब मुझे क्या करना, वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में हो या बी में हो, कॉमन एलिमेंट नहीं लेने। तो क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट ए इसमें है, है नहीं ले सकते, बी इसमें है नहीं ले सकते, सी इसमें है नहीं है तो सी आएगा, डी इसमें है जी नहीं है तो इसे भी लूंगा मैं, ई इसके अंदर है नहीं है तो मैं इसे भी लूंगा। अब ये और ये तो कॉमन थे तो इसे तो हमने निग्लेक्ट कर दिया, बचे ये, तो इन्हें हम एज इट इज के एज इट इज लिख लेंगे। ये मेरा आंसर होगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का, ठीक है। देखिए इसको एक बार, आपको एक बार नजर मार दीजिए कि आपको यही मिलेगा, अगर आप इसके हिसाब से भी सॉल्व करोगे आपको यही मिलने वाला है। आप करके देखिएगा, ये आपका एक टास्क है कि आपको ये चीज इसके हिसाब से सॉल्व करनी है, या आपको ये और ये करके दिखाऊं तब भी हो जाएगा। चलिए इसको मैं इस तरीके से करता हूं, देखिए मुझे लेना a माइनस में b, इसका मैं अगर a माइनस में b निकालूं मतलब a के वो एलिमेंट जो b में है उसे हमें निग्लेक्ट कर देना है और बाकी एलिमेंट को लेना है। तो क्या लिखूंगा मैं, a माइनस में b क्या होगा मेरा यहाँ पे, c d और e यही वो एलिमेंट है जो b में नहीं है, ठीक है बोलेंगे। देन b माइनस में a क्या होगा, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है वो कौन कौन से हैं, h i j, ठीक है। अब मुझे क्या अप्लाई करना है इसके ऊपर, ये यूनियन, मैं a यूनियन b लिखूंगा। अब देखिए a यूनियन b में क्या होता है, a के सारे एलिमेंट या b के सारे एलिमेंट या दोनों के एलिमेंट जो कॉमन है वो, ठीक है। साथ में क्या लिखा, देखिए c इसके अंदर है नहीं है ले लिया, d इसके अंदर है नहीं है ले लिया, e इसके अंदर है नहीं है ले लिया, h सिमिलरली, i और j नहीं एग्जिस्ट करते, आंसर आपका क्या आ गया, सेम आएगा। देखिए जब मैंने इनके बाद इस ऑपरेशन को अप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया, यही आंसर आ गया। तो ये था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने का तरीका, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका, सिंपल वो ये याद रखिए कि इसमें हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट में वो नहीं लेने और सारे के सारे लेने। इसे आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, दो लाइन का सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है, कोई बड़ा तीर नहीं है, बट दिमाग में नहीं रहता, तो जल्द से जल्द इसे कर लीजिए और नेक्स्ट ट्यूटोरियल जल्दी करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, इसे करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टेक केयर, बाय, थैंक यू। आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।